सोलन के बस्साल में 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया गया। मेले में कई तरह की पारंपरिक ग्रामीण खेलों का भी आयोजन किया गया। मेले का मुख्य आकर्षण भैंसों की लड़ाई रही। आयोजकों की माने तो यह लड़ाई मेला कमेटी द्वारा 20 साल पूर्व लोगों के मनोरंजन के लिए करवाई जाती थी, जिसे अब फिर से शुरू किया गया है। मेले के बारे में अधिक जानकारी देते हुए मेला कमेटी के प्रधान नेत्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि मेले में कई वर्षों से भैंसों की प्रदर्शनी बंद हो चुकी थी, लेकिन इस बार गांववासियों की मांग पर यह प्रदर्शनी फिर से शुरू की गई है। उन्होंने कहा है कि मेले को मनोरंजक बनाने के उद्देश्य से भैंसों की लड़ाई के लिए इस बार सोलन व शिमला के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसानों ने अपने अपने भैंसों की शक्ति प्रदर्शन किया। इसके अलावा दूसरे दिन कबड्डी और विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसके समापन समारोह में सामाजिक न्याय एवं कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये प्राचीन समय से बुजुर्गों के समय से 2 दिन का होता है। इसमें पहले दिन झूठों की प्रदर्शनी और तीरंदाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों का, स्कूल का और कबड्डी होती है। जब झूठे यहाँ नहीं थे तो झूठों की प्रदर्शनी बंद हो गई थी, तो इस बारी हमने शिमला साइड से 13 झूठे मंगाए और झूठों की प्रदर्शनी लोगों के इस मेले में दिखाई। अब बीजे झूठे के लिए हमने माली भी रखी हुई है। हमने रखा झूठों का आने जाने का खर्चा, कराया उनका और झूठों को 5100 रुपये। किचन के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।